नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, आज फिर एक नए बिंदु के साथ जिसका नाम है सर्वनाम। पिछली क्लास में आपको संज्ञा के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी, आइए आज पढ़ते हैं सर्वनाम। तो क्या होता है सर्वनाम, पेपर में कैसे बनते हैं क्वेश्चन, इनके ऊपर चर्चा करेंगे आज के सेशन में। तो आप सभी लोग अपने नोट्स मेंटेन कर लेना और थोड़ी देर हमारे साथ 10 या 15 20 मिनट में हम आपको क्लियर करा देंगे सर्वनाम को कैसे पहचानना है, किस प्रकार का सर्वनाम है। जैसा कि मैंने अनबोर्ड किया है कि सर्वनाम के अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले सर्वनाम से क्या क्या क्वेश्चन बनता है और सर्वनाम क्या होता है। जैसा कि अगर शाब्दिक अर्थ पर बात करें तो सर्वनाम से पता चलता है सर्व माने मतलब होता है सबका, सर्व का मतलब हो जाएगा सबका, और नाम आपको पता है सबका नाम। संज्ञा की अगर मैं बात करूं तो दुनिया के सभी नामों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, और उन सभी नामों की जगह पर जिन शब्दों का इस्तेमाल हिंदी भाषा के अंतर्गत किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो इसलिए इसका जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब नाम है, सबका नाम। ठीक है, क्वेश्चन ये भी हो सकता है आपके दिमाग में, ये कन्फ्यूज़न हो सकता है, या मैं एक बात बता दूँ कि संज्ञा जब किसी का नाम है उस नाम की जगह पर दूसरे शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक क्यों पड़ा। तो मैं बताऊँ, हिंदी भाषा में दोहराव से बचने के लिए बार बार वो एक ही नाम ना दोहराव से बचने के लिए, या मैं कह दूँ भाषा में कम शब्दों के इस्तेमाल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, संज्ञा की जगह पर सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। जैसा कि अगर मैं आपको एक उदाहरण दूँ और जिससे आपको समझ में आएगा, तो सर्वनाम क्या होता है, सबका नाम, इसको सर्वनाम कहते हैं, और किस प्रकार के सर्वनाम है, 6 भेद होते हैं, वो यहाँ आपके पास लिखे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे एक उदाहरण की बात करूँ, सर्वनाम का उदाहरण, जैसे मैं कहूँ आलिया ने कालिया से कहा कि वह नहीं आएगी। एक वाक्य है, आलिया ने कालिया से कहा कि वह नहीं आएगी। आलिया पर्टिकुलर कोई सुंदरी है जिनका नाम आलिया है और उनके कोई कालिया रहे होंगे, ठीक है। तो आलिया ने अपने कालिया से कहा कि वह नहीं आएगी। अब देखो वाक्य में क्या लिखा, और मैं यहाँ आपको सर्वनाम समझाने की कोशिश करता हूँ। वाक्य में क्या है, किसी नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी नाम को संज्ञा कहते हैं। अब क्या, आलिया ने कालिया से कहा कि वह नहीं आएगी। अब यहाँ वह जो है, वह मतलब कौन नहीं आएगी, मतलब यहाँ क्या हुआ, आलिया नहीं आएगी। लेकिन आलिया एक संज्ञा थी, उसकी जगह पर एक शब्द का प्रयोग हुआ जिसका नाम, जिसको हमने क्या लिखा है यहाँ, वह। तो क्या हुआ, सर्वनाम वो होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। तो इस वाक्य में ऐसा कहीं उदाहरण दिया हो और पूछा इस वाक्य में कौन सा एक सर्वनाम है, तो आप तुरंत कहेंगे वह जो है वो क्या है, सर्वनाम है। किसी संज्ञा की जगह पर जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो वह एक प्रकार का सर्वनाम है। आगे की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि वह किस प्रकार का सर्वनाम है। किसी व्यक्तिगत नाम के लिए किसी सर्वनाम का प्रयोग हुआ तो उसे क्या कहेंगे, किसी वस्तु के लिए किसी सर्वनाम का प्रयोग हुआ तो उसे क्या कहेंगे। तो पर्टिकुलर इस उदाहरण में बात करूँ तो वह क्या है, एक सर्वनाम है। तो बात खत्म करते हैं, आइए बात करते हैं। अब बात शुरू होती है कि अपने पेपर में क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। तो पहला एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो संज्ञा की सर्वनाम की परिभाषा के ऊपर बात से करने का कोई मतलब नहीं, आप सिर्फ याद रखिए कि दुनिया के सभी नामों की जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, क्यों उन नामों का बार बार दोहराने की जगह केवल सर्वनाम का प्रयोग कर लेते हैं, किसी शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। लेकिन आपके पेपर के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर्वनाम के मूल भेद, क्वेश्चन ये आ जाए सर्वनाम के, दो क्वेश्चन हो सकते हैं, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं और सर्वनाम के मूल भेद कितने होते हैं। कहने का मतलब मूल सर्वनाम कितने होते हैं। पिछली वाली क्लास में देखना कि संज्ञा मूल कितनी होती है, अर्थ के आधार पर कितनी और व्युत्पत्ति के आधार पर कितनी होती है, उसी तरीके से मूल भेद, सर्वनाम की मूल संख्या अगर पूछी जाए तो आप आंसर, या और ये क्वेश्चन आया हुआ है, मूल सर्वनाम जो होते हैं वो 11 होते हैं, जिसमें आपका कौन होता है, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ,
ठीक है। ये सब जो सर्वनाम है वो 11 सर्वनाम कैसे हैं, मूल सर्वनाम है। लेकिन अगर आपसे कहिए अर्थ के आधार पर या वर्गीकरण के आधार पर सर्वनाम के भेद बताइए, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 6। तो क्वेश्चन में अगर मूल कहीं लिखा है, मूल सर्वनाम कितने होते हैं, तो आपको आंसर 11 देना पड़ेगा। UP SSSC ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछ चुकी है, 2-3 बार पूछ चुकी है, तो आप याद रखेंगे मूल सर्वनाम कितने होते हैं, 11, और वैसे अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, तो 6। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अपने पेपर में 1-2 क्वेश्चन यहाँ से कोई क्वेश्चन फंस सकता है, उसके अलावा अगर बात आएगी उसके अलावा तो इनका उदाहरण से क्वेश्चन फंसेगा। सर्वनाम में थोड़ा टेंशन होती है, इसको अच्छे से समझ के काम करेंगे। तो आइए बात करते हैं सर्वनामों के भेद के ऊपर, और जो 6 भेद हैं उनके ऊपर बात करने वाले हैं। 6 भेदों में जैसा कि मैंने पहले नंबर पर जो बनाया है उसका नाम है पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जब हम सर्वनाम की बात कर रहे हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, तो यहाँ परिभाषा से हमें कोई लेना देना नहीं है। सीधी सीधी बात यह है कि पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जहाँ किसी सर्वनाम में, स्वाभाविक सर्वनाम कहाँ यूज होगा, संज्ञा की जगह पे, तो जहाँ कहीं कोई बोलने वाला होगा या फिर कोई सुनने वाला होगा या किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कही जाएगी, तो वो जो संज्ञाएं होंगी उनकी जगह पे जिस सर्वनाम का प्रयोग करेंगे उसका नाम पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। तो कहने का मतलब है एग्जाम में यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन फंसते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं बेटा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, और ऐसा सब लोगों ने सुना होगा। एक जो इंग्लिश में इसको पर्सन कहते हैं और वैसे इसको उत्तम पुरुष कहते हैं, दूसरे वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, और तीसरा जो सर्वनाम होता है इसको हम अन्य पुरुष कहते हैं या थर्ड पर्सन कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, लेकिन यहाँ उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका कौन सा हो जाएगा, अन्य पुरुष, ठीक है। जब उत्तम पुरुष की बात करने वाले होंगे तो याद कर लेना कि वाक्य में कोई एक कहने वाला होगा, कहने वाला होगा मतलब कोई उस बात को कह रहा होगा, उसकी नाम की जगह पर कोई सर्वनाम प्रयोग होगा, तो उस सर्वनाम को हम क्या कहेंगे, उत्तम पुरुष या फिर क्या कहेंगे, पुरुष, या बोले तो पुरुषवाचक, ठीक है। मध्यम पुरुष में जो होगा वो एक ऐसा होगा, ऐसा संज्ञा वर्ण, ऐसा कोई शब्द जो उस बात को क्या और कर रहा होगा, सुन रहा होगा, तो सुनने वालों को हमेशा क्या रखते हैं, मध्यम पुरुष, या जिसके बारे में कोई बात कही गई हो। थर्ड पर्सन जो होता है जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए वो हमेशा क्या होगा, अन्य पुरुष होगा। तो इतनी बात समझ जाओगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो या तो किसी कहने वाले के लिए यूज किए जाए या किसी सुनने वाले के लिए यूज किए जाए या किसी जिसके बारे में बात हो रही है उनके लिए, जो उन नामों की जगह पर जिसका प्रयोग किया जाए उनको सर्वनाम कहते हैं। 3 ये, अगर पुरुषवाचक सर्वनाम के अगर आपसे भेद पूछे जाए तो आंसर आपका कितना होगा, 3, ठीक है। और उनमें कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कहने वाला हमेशा यही होगा, मैं और हम, मैं और हम, तो कहीं भी मैं और हम लिखा हो तो तुरंत आप कहेंगे, अगर जैसे लिखा है मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, तो कोई पर्टिकुलर व्यक्ति का कोई पर्टिकुलर नाम होगा, नाम होगा अर्थात वो व्यक्ति संज्ञा है, लेकिन वहाँ उसने खुद से अपना नाम नहीं लिया है, उसकी जगह पे क्या कह दिया है, मैं कह दिया है, तो संज्ञा की जगह पे जिनका प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, और वहाँ जो मैं प्रयोग हुआ मतलब वो बात कह रहा है, अर्थात वो कैसा सर्वनाम हो जाएगा, उत्तम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। नहीं आता है ये, इनमें से क्वेश्चन आता है तो कैसा हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, कोई समस्या आपको नहीं होगी। जैसे सुनने वाले की बात, अगर यहां क्या हो जाएगा, तुम, तुम या तुम या आप भी हो सकता है, ध्यान से सुनो, आप भी हो सकता है, कहाँ, मध्यम पुरुष में कोई सुनने वाला होगा, जब आदर के भाव से बात करेंगे, जब किसकी बात करेंगे, आदर के भाव से बात करेंगे, तो आप किस प्रकार का सर्वनाम हो जाएगा, पुरुषवाचक हो जाएगा या मध्यम पुरुष हो जाएगा। जबकि निजवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल ही क्या होता है, उदाहरण ही क्या होता है, सर्वनाम का उदाहरण क्या होता है, आप, लेकिन कहीं आदर्श रूप कहीं आप लगाया गया है, मतलब किसी कोई सुन रहा है, जिस आप छोटे हो किसी बड़े से कह रहे हो तो आप लगा के बात करोगे, उस समय वो आप बिहेव करेगा मध्यम पुरुष की तरह अर्थात पुरुषवाचक की तरह, समझ जाओगे, जब आदर के लिए प्रयोग हो जाए तो वहाँ क्या हो जाएगा, ये, ठीक है, कोई समस्या नहीं। इसके अलावा अन्य पुरुष, तो जिसके बारे में कहा जाए, तो यहाँ यह भी हो सकता है, वह भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, मतलब इन सब सर्वनामों का प्रयोग किसी थर्ड पर्सन के लिए किया जा रहा हो वहाँ हम क्या कहेंगे, अन्य पुरुष, या उसको क्या कहेंगे, पुरुषवाचक, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब
यहाँ पे एक बेसिक सा फैक्ट सुन लेना, मैं एक उदाहरण लिखता हूँ इधर, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। उत्तम पुरुष की बात करें कहने वाला, मध्यम पुरुष की बात करें सुनने वाला, अन्य पुरुष की बात करें जिसके बारे में कहा जाए। उत्तम पुरुष में एग्जाम्पल मैं और हम हो जाएगा, मध्यम पुरुष में एग्जाम्पल तू और तुम हो जाएगा, आप भी हो जाएगा, आप तभी होगा जब आदर स्वरूप बात होगी। अन्य पुरुष में एग्जाम्पल यह है, वह है, ये वे। ये जो यह है ये दो जगह मिलता है, एक यहाँ भी मिलेगा, अभी थोड़ी देर में निश्चयवाचक पढ़ेंगे यहाँ भी मिलेगा, कैसे डिफरेंस करेंगे थोड़ी देर में बताएंगे, ठीक है, लेकिन अभी आप इतना समझ लो। तो इतने में समझने के बाद अब देखो मैं एक चीज बता दूं आपको, एक उदाहरण लिखता हूं आप समझने का प्रयास करो। जैसे मैंने लिखा वह ईमानदार है, उदाहरण से समझिए, चीजें समझ जाओगे, नहीं तो सर्वनाम रटते रहोगे क्वेश्चन सही नहीं होगा। वह ईमानदार है, वह ईमानदार है, तो यहां तीन शब्दों का प्रयोग हुआ और एक वाक्य बन गया है वह ईमानदार। ईमानदार तो ऑलरेडी ईमानदारी और ईमानदार एक विशेषण हो जाएगा, है, ठीक है। तो यहां जो मैंने जितने शब्द लिखे हैं उनमें एक शब्द आपको दिख रहा होगा कि वह एक शब्द ऐसा है कि कैसा है, जो सर्वनाम की तरह प्रयोग हो रहा, मतलब वह है कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति रहा होगा जो क्या होगा, ईमानदार होगा। तो उस व्यक्ति का नाम नहीं लिया है, दोहराव से बचने के लिए हमने उसके नाम की जगह पे वह लगा दिया। अब आपसे पूछा जाए वह किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आप देखो किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात बताई जा रही है, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात बताई, या किसी पर्टिकुलर संज्ञा के बारे में, पर्टिकुलर जीवित संज्ञा के बारे में नाम बताई, विशेषता बताई जा रही है, तो ये एग्जाम्पल तो किसका हो जाएगा, पुरुषवाचक का। लेकिन पुरुषवाचक के अंतर्गत अगर पूछा जाएगा तो वह किस प्रकार का एग्जाम्पल हो जाएगा, अन्य पुरुष का। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अन्य पुरुष का, क्यों, क्योंकि यहाँ कोई थर्ड पर्सन के बारे में, कहने वाला कोई और है, सुनने वाला कोई और है, लेकिन बात किसी तीसरे के बारे में की जा रही है, इससे प्रतीत होता है कि वह ईमानदार है। मैं कह रहा हूँ आपसे कि वह ईमानदार है, तो आप सुन रहे हैं मध्यम पुरुष, मैं बोल रहा हूँ उत्तम पुरुष, लेकिन बात तो किसी तीसरे के लिए है, तो ये कैसा पुरुष हो जाएगा, अन्य पुरुष। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, पहला भेद क्लियर हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। आइए बात करते हैं जल्दी से, तो समझ गए होंगे पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद पूछा जाए तो आप तुरंत से बता देंगे इसके तीन भेद होते हैं, जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है। आइए अगले बिंदु की बात करते हैं, दूसरे प्रकार का जो सर्वनाम है उसका नाम है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि वे सर्वनाम जो किसी संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए गए हैं, लेकिन उनके प्रयोग से निश्चितता होती है कि ये किसके लिए प्रयोग हुए हैं, ऐसे सर्वनामों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब सीधा सीधा मैं लिख सकता हूं कि निश्चित वस्तु का बोध कराएं, निश्चित वस्तु का बोध, वे सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु का बोध कराएं उनको हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है, डेफिनेशन रटने से क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, वहां आपसे क्वेश्चन अगर आ गया क्या कैसा शब्द होगा जो निश्चित का बोध कराएं, तो देखो ध्यान से यहाँ भी एग्जाम्पल जो होंगे, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, आप एग्जाम्पल अगर रटके जाएंगे तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मैंने यह, वह, बे, वो, अभी मैंने यही एग्जाम्पल जस्ट थर्ड पर्सन में लिखे थे, अर्थात पुरुषवाचक के तीसरे भेद अन्य पुरुष में लिखे थे। वहाँ भी यह लिखा था, वहाँ भी वह लिखा था, यहाँ भी बे लिखा है, वो लिखा है, वहाँ भी लिखा है, बट वो तो वहाँ कह रहे थे थर्ड पर्सन के लिए, वहाँ हमने आपको वह वाला एग्जाम्पल भी दिया था, वह ईमानदार है, वहाँ अन्य पुरुष है। लेकिन अब कहीं वह देख के आप नहीं बता सकते कि निश्चयवाचक है कि पुरुषवाचक है, क्योंकि एग्जाम्पल तो वही है, बस फर्क क्या है ध्यान से सुन लेना। अब अच्छी सी बात सुनो, मैं दो ये चीज समझ गया होगा, मैं दो एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से सुनो और चीजें आसान लगने लगेंगी। जब तक आप एग्जाम्पल सेट नहीं करोगे तब तक, जैसे मैंने पहले वाले में उदाहरण दिया था वह ईमानदार है, वह ईमानदार है, ठीक है, इससे पहले वाले में उदाहरण दिया था वह ईमानदार है, ठीक है, हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं आपको निश्चयवाचक में एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि वह वाला ही देता हूं, वह रवि की पुस्तक है। दो एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं, उदाहरण नंबर एक और उदाहरण नंबर दो, दोनों में जो कॉमन चीज है, देखो यहां रवि संज्ञा है, ये तो
योजक चिन्ह है। इसके अलावा पुस्तक भी एक संज्ञा है, यहाँ ईमानदार एक विशेषण है, उससे लेना था। यहाँ एक चीज अच्छे से देखिए, वह यहाँ भी लिखा है, वह यहाँ भी लिखा है, बस दोनों में अंतर क्या है। अब आपके सामने दो वाक्य हैं, एक मैंने उदाहरण आपको ऑलरेडी बता दिया, ये वाला जो वह है वो किसका उदाहरण था, वो पुरुषवाचक का उदाहरण था। किसका उदाहरण था, पुरुषवाचक का उदाहरण था, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था। लेकिन ये जो वह है, देखो ये वह रवि की पुस्तक है, तो जो संज्ञा है, जो नाम है, जो पुरुष है, वो तो ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है। लेकिन एक और संज्ञा है जो एक निर्जीव वस्तु है जिसका नाम पुस्तक है, उसके लिए ही निश्चितता कर रहा है कि ये जो पुस्तक है, कौन निश्चितता कर रहा है, वह है कि ये किसकी पुस्तक है, रवि की पुस्तक है। तो आप याद रखेंगे, जब किसी वस्तु के लिए, ध्यान से सुनो, जब किसी वस्तु के लिए यह का प्रयोग हो, वह का प्रयोग हो, ये का प्रयोग हो, वो का प्रयोग हो, और वो शब्द इसकी निश्चितता बताते हों, वो तब जो होगा एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, निश्चयवाचक का। लेकिन किसी जीवित संज्ञा के लिए यह वह का प्रयोग हो, तब वो एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, पुरुषवाचक का। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। उदाहरण आपके सामने है, इसको कंपेयर करिए, तुलनात्मक अध्ययन करिए, चीज़ें आसान लगेंगी। विकास, क्योंकि अगर आप वह रटे घूमेंगे, वह निश्चयवाचक में भी पढ़ रहे हैं, वह पुरुषवाचक में भी पढ़ रहे हैं। पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आया तब आपको टिक करना पड़ेगा निश्चयवाचक, और पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आया तब आपको टिक करना पड़ेगा पुरुषवाचक। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, नहीं तो आसान नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो इतनी बात में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं, छोड़ो ये एग्जांपल, अगर मैं कह दूं यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, जैसे ही आपसे पूछा जाए, इसमें दो संज्ञाएं दी गई हैं, सॉरी दो सर्वनाम दिए गए, एक ये भी है और एक ये भी है, मेरा तेरा तुम्हारा जिसका जिसको, रा री रे वाले जो होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन इसकी बात इन फ्यूचर करेंगे। यहाँ पे जो यह है, ये किसके लिए है, पुस्तक के लिए। और मैंने आपको बताया, एक निर्जीव वस्तु बोले तो पुस्तक, उसके लिए अगर किसी शब्द का, उस किसी सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है, इसके लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है, तो वो तुरंत क्या जाएगा, निश्चितता दे रहा है, ये पुस्तक मेरी है, तो ये कैसा हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम जाएगा। यहां आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, समझ जाओगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यह है मेरी पुस्तक है। ठीक, तो दो क्लियर हो गए आपको, निश्चयवाचक क्या होता है और पुरुषवाचक क्या होता है। अनिश्चयवाचक बहुत सरल है, इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन होता है। इसके अलावा आगे के जो होंगे, तो अगला पढ़ते हैं अनिश्चयवाचक, तीसरा भेद है जिसका नाम है अनिश्चयवाचक। तो अनिश्चयवाचक में क्या है, वहां निश्चितता दे रहा था, अब यहां अनिश्चयवाचक में क्या हो जाएगा, वे जो निश्चित वस्तु का बोध ना कराएं, निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराते हैं, निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराते हैं, ऐसे सर्वनामों को हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दो ही तीन याद रखने होते हैं आपको, जैसे कोई कह दे एग्जाम्पल ले ले, तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, कोई, और दूसरा क्या हो जाएगा, कुछ, क्या आ जाएगा, कोई और कुछ। देखो ये शब्द आप कहीं भी प्रयोग करेंगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये वाले जो शब्द हैं इससे क्लियर नहीं हो रहा कि कौन सी संज्ञा है, मतलब कौन सी चीज़ इसमें मिली हुई है। जैसे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल आता है, जैसे अगर मैं उसका उदाहरण दूँ, हाँ एक उदाहरण लो, जैसे कोई आए तो बता देना, एग्जाम्पल है कि कोई आए तो बता देना। ठीक है, तो कोई आए, आएगा तो कोई जीवित प्राणी है, उसका कोई नाम होगा अर्थात वो संज्ञा होगा, लेकिन हमें वो पता नहीं है, हमने उसकी जगह पे एक शब्द का इस्तेमाल कर दिया कि कोई भी फला व्यक्ति आए, तो हमें उसका नाम नहीं मालूम, हमने उसकी जगह पे क्या यूज कर लिया, कोई। तो संज्ञा की जगह पे जिसका प्रयोग करते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं, लेकिन इस वाले शब्द के प्रयोग से हमें ये क्लियर हो गया कि ये निश्चितता का बोध नहीं करा रहा, अर्थात यहाँ जो कोई एक शब्द है वो कैसा शब्द है, एक सर्वनाम है, और वो किस प्रकार का सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, खाने में कुछ पड़ गया है, तो खाने में कोई पदार्थ पड़ा होगा और पदार्थ के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो हमने पदार्थ का नाम ना लेके कुछ लगा दिया, तो कुछ क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, कमरे के बाहर कोई है,
तो दरवाजे पे कोई है, तो इससे क्या है, कोई है तो कोई पर्सन है, पर्सन है तो संज्ञा है, लेकिन हमें उसका नाम नहीं पता, हमने उसकी जगह पे कोई लगा दिया। तो ऐसे सर्वनाम को क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। चाय में कुछ पड़ा है, घी में कुछ मिला है, तो ये सब जहाँ भी प्रयोग होंगे उनको हम क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। तो आपको जो कंसंट्रेट होकर पढ़ना है वो कौन से वाले थे, पुरुषवाचक और अनिश्चयवाचक, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको सेट करने हैं, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। अगला चौथा जो पढ़ना है, संबंध वाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम जैसा कि संबंध, और जब भी आप पढ़ेंगे, आप थोड़े दिन बाद या मैं आगे कभी पढ़ाऊंगा, आप कारक पढ़ेंगे, तो जब कारक पढ़ते हैं तो वहाँ संबंध कारक आता है, और जब कारक पढ़ते हैं तो उनकी विभक्तियाँ होती हैं, उनकी विभक्तियाँ होती हैं, तो आपने कारक की विभक्तियाँ सुनी होंगी, का होता है, की होता है, के होता है ना, का की के कारक की विभक्तियाँ होती हैं। ऐसे ही इसको रा री और रे भी कह सकते हैं, ऐसे ही इसको ना नी और ने भी कह सकते हैं। ये जो लिखा है ये क्या है, कारक की विभक्तियां हैं, ठीक है। अब सुन लो, वे सर्वनाम जिन सर्वनामों में इन विभक्तियों का क्या किया गया हो, प्रयोग किया गया हो, उनको हम क्या कारक कौन सा सर्वनाम कहते हैं, संबंधवाचक कहते हैं। जैसे पुरुषवाचक में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मैं बोले तो उत्तम पुरुष में पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, उसके अंतर्गत जो सर्वनाम का उदाहरण पढ़ा था इसका नाम क्या था, मैं, ठीक है। अब इसी मैं में अगर मैं ये वाली विभक्ति लगा दूं तो कहीं मेरा लिखा होगा, मेरी लिखा होगा, मेरे लिखा होगा। अगर ये लगा दूं, अगर जैसे मान लीजिए एक और सपोज दैट दूसरा कोई ले लो, जैसे तुम सेकेंड पर्सन में क्या था, तुम, ठीक है। तुम में हम तुम्हारा कह सकते हैं, तुम्हारी कह सकते हैं, तुम्हारे कह सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं यहीं पे हम लगा दें, हमारा कह सकते हैं, हमारी कह सकते हैं, हमारे कह सकते हैं। तो जहां इन विभक्तियों का, जिन सर्वनामों में इन विभक्तियों का प्रयोग हुआ हो और उनका प्रयोग किसी संज्ञा की जगह पे हुआ हो, उसको हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सुनो, अब मैं यहीं पर एक उदाहरण देता हूं, आप समझ जाएंगे। अगर मैं कहूं संबंधवाचक का, पहली बात तो कुछ सीधे सीधे होते हैं, अगर मैं कहूं वह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है, ठीक है। यहां पे जो वह शब्द था वो निश्चितता प्रदान कर रहा था किसको, पुस्तक को, और वो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूं, इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूं। लेकिन यहीं पे जो लगा है, सीधी सीधी बात हो गई कि पुस्तक, और क्या लगा दिया, मेरी है। तो ये क्या है, ये पुस्तक के साथ उस संज्ञा का जिसकी जगह पे वह प्रयोग हुआ उसका कोई नाम होगा, उस व्यक्ति का और इस पुस्तक के साथ संबंध है कि वो पुस्तक किसकी है, उसकी है। तो आप तुरंत कह देंगे मेरी जो एक प्रकार का सर्वनाम है वो कैसा है, संबंधवाचक सर्वनाम है। या कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मैंने बताया, जहां रा री और रे संबंध कारक की विभक्ति का प्रयोग हुआ हो, तो देखो ये मैं शब्द था उसमें हमने कौन सा री विभक्ति लगा के एक शब्द बना लिया, और ये किसकी विभक्तियां हैं, संबंध की विभक्तियां हैं। तो तुरंत आप कह दोगे इसमें कौन सा कारक है, इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक। लेकिन वह कौन सा सर्वनाम है, तो वह जो है वो कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, इससे बेहतर आप केवल एग्जाम्पल करिए। इसके अलावा और बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम लोक्ति और मुहावरे के रूप में प्रयोग करते हैं, वहां भी कुल शब्द लगे होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं जो करता है सो भरता है, एक उदाहरण है, जो करता है सो भरता है, ठीक है। जो करता है सो भरता है, जो करता है तो कोई क्रिया किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रही होगी, अर्थात कोई संज्ञा होगी, लेकिन उसकी जगह पर हमने क्या लगा लिया, जो। और कोई भरेगा तो कोई एक व्यक्ति ही तो उसको भरेगा, तो उसकी जगह पर हमने क्या लगा लिया, सो। तो ऐसे शब्द जो सो जहां भी प्रयोग हो जाए तो तुरंत आप कहेंगे ये जो पूछा जाए संबंधवाचक सर्वनाम है, सो पूछा जाए संबंध, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो की लगा है ना दोनों जगह, जिसकी और उसकी, काकी के मैंने बताया है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी
भी संबंध कारक है, संबंधवाचक सर्वनाम है और उसकी भी संबंधवाचक सर्वनाम है। अगर मैं कहूँ तुम चाहो सो, जो तुम चाहो सो करो, तो जो और ये भी हो जाए, जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी और वैसी क्या हो जाएंगे आपका, यही हो जाएगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे, तो जैसा और वैसा क्या हो जाएंगे, संबंध कारक। ठीक समझ जाओगे मेरे हिसाब से। और जो जगता है सो फल पाता है, तो वो भी हो जाएगा। तो जो और सो, यहाँ तक ऐसे भी एग्जाम्पल होंगे तो इनको आप अच्छे से समझ के कर लेंगे। और एक चीज़ याद हमेशा के लिए रखेंगे, मेरा तुम्हारा मैंने तुमने, है ना, ये सब रारी रे काकी के और नानी ने विभक्ति के बने हुए शब्दों को संबंध वाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। उदाहरण आपके सामने हो गए। तो हम लोगों ने चार पढ़ लिए हैं, अगला पांचवा जो है ये बहुत ही सरल है, जिसका नाम क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा जो पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम तो इसके अंतर्गत क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, तो सीधा सीधा जैसा कि आपको दिख रहा है, ऐसा कोई सर्वनाम जिससे क्या हो रहा हो, जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो रहा हो, किसका। तो आप क्या याद रखेंगे हमेशा के लिए, क्या याद रखेंगे, प्रश्न पूछने का बोध होता है, ऐसा सर्वनाम जिससे क्या प्रतीत हो, प्रश्न पूछने का बोध। तो ऐसा सर्वनाम जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ गए हो ना। तो अब आ जाए यहाँ क्या होंगे, तो वही प्रश्नवाचक शब्द हो जाएंगे, क्या क्यों, ये सरल भी होता है और ये कम पूछा भी जाता है, कैसे कहाँ, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ हो तुरंत आप कह देंगे वहाँ कौन सा सर्वनाम प्रयोग हुआ है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैं एक उदाहरण लिखता हूँ, यहाँ मैंने लिखा आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपके सामने एक उदाहरण लिखा हुआ है आपका नाम क्या है, तो यहाँ आप बताएं आपका नाम क्या है। तो जैसे ही आपने एक चीज़ पकड़ी जिसका नाम है प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्या, और जैसे ही पूछा प्रश्न का बोध होता हो, तो यह आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम यहाँ कौन हो जाएगा, क्या जो है वो कैसा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक। लेकिन यहीं पर एक चीज़ और, यहाँ पर एक शब्द लिखा है आपका, तो अब आपके सामने ये टेंशन होगी कि भाई ये बताओ कि आपका कौन सा सर्वनाम है। आपका मतलब मैंने कहा ना, आप अगर आदर के भाव में प्रयोग किया जाए तो कहाँ चला जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम में, दूसरा वाला मध्यम पुरुष के अंतर्गत। यहाँ आपका कह दिया, देखो मैंने कहा अब आपका पूछा जाए कैसा सर्वनाम है, तो आपका संबंधवाचक सर्वनाम है, कैसा सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, पहचान का व्यस्त तरीका जिसके अंदर संबंध कारक की विभक्ति काकी के रारी रे और नानी ने लगा हो वो किस प्रकार का हो जाएगा। तो आप निजवाचक सर्वनाम है, लेकिन आप अगर आदर स्वरूप प्रयोग हुआ हो तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन अगर विभक्ति साथ में लग गई है तो फिर किसके अंतर संबंध विभक्ति अगर साथ में लग गई है तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, संबंध के साथ, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन इसमें जो क्या है वो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो इतनी बात समझ गए होगे। छठवां जो विकल्प है, छठवां जो भेद है, जिसका नाम है निजवाचक सर्वनाम, जिसका नाम क्या है, निजवाचक सर्वनाम। तो छह भेद होते हैं मूल रूप से, जिसका नाम क्या है, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो निज, निज का मतलब ही क्या होता है, स्वयं। निज का मतलब क्या होता है, स्वयं। अगर मैं बात करूं निज का मतलब क्या होता है, तो आंसर क्या याद रखोगे, स्वयं। तो निज जो है, सीधी सीधी बात है, निजवाचक सर्वनाम, तो बे शब्द, बे सर्वनाम जो खुद का बोध कराते हैं, बे सर्वनाम जो किसका बोध कराते हैं, स्वयं का बोध कराते हैं, खुद का कराते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, निज। और ऐसा क्वेश्चन बहुत बारी आया हुआ है। यहां जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, आप। अब आपके दिमाग में ये कन्फ्यूज़न आ गया होगा कि भैया ये बताओ कि जो आप था पहले, आप इसको कहाँ पढ़ाए, पुरुषवाचक सर्वनाम में। फिर आपसे संबंधित आप दूसरी एक बात अभी हमने करी थी, कहाँ, संबंधवाचक में, अगर उसके साथ। लेकिन अगर यहाँ पे ये आ जाए, यहाँ पे अगर ये आ जाए खुद का बोध हो, तो एक आप ले आए हो कहाँ, निजवाचक में। तो ध्यान रखना, निज का अर्थ स्वयं होता है, और अपना सीधा आपसे क्या, अपने का बोध हो रहा हो वहाँ आप सीधा सीधा क्या कहेंगे, तो यहाँ स्वयं, आप, अपने आप, ठीक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, उसको हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर एक आपसे उदाहरण देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा, आप आजकल कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, उदाहरण से समझेंगे चीजें आसान लगेंगी।
आप आजकल कहाँ रहते हैं? देखो यहाँ दो ही प्रकार का, एक तो ये सर्वनाम है और दूसरा ये सर्वनाम है, और पेपर में हूबहू ऐसे ही सवाल आते हैं। रेखांकित पद पूछ लिया जाता है, ये वाले पे लाइन कर लीजिए, रेखांकित पद किस प्रकार का सर्वनाम है, ऑप्शन दिया होगा निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो कहाँ पूछा गया तो तुरंत आप कहेंगे कैसा शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। लेकिन यहाँ पे जो आप है तो ये किसके लिए कह रहे हैं, खुद के लिए पूछ रहे हैं ना आप, उनसे व्यक्तिगत, उनसे स्वयं से पूछ रहे हो, तो ये वाला जो आप है वो कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां तक समझ गए हो? जैसे अगर मैं उदाहरण दे दूं, अगर मैं कहूं, सीधा मैं कह दूं, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आजकल आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे या पूर्व मुख्यमंत्री थे, आजकल आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो आजकल आप, यहां भी तो आप प्रयोग हुआ है, आजकल आप भारत के क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो वहां आप उनका नाम नरेंद्र मोदी बार बार नहीं ले रहे हो, कहा ना सर्वनाम का प्रयोग नाम द्वारा द्वारा नहीं लेना है। वहां जो आप है, वहां जो आप है वो जो हो जाएगा वो कहां हो जाएगा, वो उनके सम्मान के लिए, सम्मान के लिए तो किसमें चला जाएगा, मध्यम पुरुष में चला जाएगा। हालांकि ये वाला जो उदाहरण है इसका भी आप मध्यम पुरुष में जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से आप सम्मान के रूप में आपसे कहेंगे तो ये मध्यम पुरुष में भी होगा। लेकिन अगर उसमें ऑप्शन में आपसे पुरुषवाचक नहीं दिया गया तो आंसर आप कहाँ रखोगे, निजवाचक कर लोगे। या आप ऐसा भी हो सकता है, आप ऐसा कहीं लिखा हो, मैं अपने आप पढ़ लूंगा, क्या होगा, मैंने एक उदाहरण और लिख दिया, मैं अपने आप पढ़ लूंगा, मैं अपने आप पढ़ लूंगा। आपके सामने एक वाक्य लिखा है, मैं अपने आप पढ़ लूंगा, मैं बोले तो पुरुषवाचक, अपने छोड़ो, आप अपने आप पढ़ो, ये व्यक्ति स्वयं के लिए खुद के लिए कह रहा है। यहां जो आप है वो क्या है, निजवाचक है, यहां जो आप है वो क्या है, निजवाचक है। अभी मैंने जो एक बात बताई ना, जैसे मैं कह दूं कि महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था, आप भारत के राष्ट्रपिता कहलाते हैं, तो महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था, और आप भारत के राष्ट्रपिता कहलाते हैं, तो वहां आप जो शब्द इस्तेमाल किया है वो आपने आदर के लिए प्रयोग किया है, तो वहां वो क्या हो जाएगा, आदर के लिए हो जाएगा, तो मध्यम पुरुष, और मध्यम पुरुष किसके अंतर्गत आता है, पुरुषवाचक। और यहां मैं कह रहा हूं मैं अपने आप पढ़ लूंगा, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, पुरुष। कुछ किताबें इस वाले एग्जाम्पल को कहीं आप निजवाचक कहती हैं, लेकिन कहीं आप पुरुषवाचक भी कहती हैं। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, आजकल आप आजकल कहां रहते हैं, तो स्वाभाविक है आप किसी अपने बड़े से आप करके बात कर रहे हैं, तो वहां सम्मान आदर हो सकता है, तो इस हिसाब से ये पुरुषवाचक होगा। नहीं तो अगर कहीं आप स्वयं के लिए, खुद के लिए प्रयोग हो, तो वहां आप क्या कह देंगे, उसको आप निजवाचक कह देंगे। तो कुल मिला के हमने सर्वनाम के 6 भेदों की विस्तार से चर्चा कर ली, और उनके क्या क्या उदाहरण थे उनकी चर्चा कर ली। आपके समस्या, आपके दिमाग में एक समस्या ये भी हो सकती है, जो मैंने जो मूल सर्वनाम बताए थे, शुरुआत में बात करी थी कि मूल सर्वनाम कितने हैं, तो अच्छे से याद कर लेना, मूल सर्वनाम की संख्या कितनी है, 11 होती है। ठीक है, मूल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11। अगर भेद पूछ दिए जाएं, अगर सर्वनाम के आपसे क्या पूछ दिया गया, भेद पूछ दिए जाए, अर्थ के आधार पर भेद पूछ दिए जाएं, तो 6 होते हैं, संख्या आपके सामने लिखी हुई है। तो ये वाला क्वेश्चन कन्फ्यूज नहीं होंगे, केवल आया सर्वनाम के कितने भेद हैं, ऑप्शन में अगर 6 लिखा है तो आप 6 टिक करेंगे, मूल सर्वनाम कितने होते हैं तो आंसर आप 11 करेंगे, और इतना आप पढ़ चुके हैं। तो कुल मिला के सर्वनाम से जो भी कठिन फैक्ट या जो उदाहरण हो सकते थे मैंने करने का प्रयास किया है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लोगों के पास शेयर करना। बाकी अगर आपको जो समस्याएं आ रही हो सर्वनाम में, संज्ञा में, हिंदी में, किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी इन फ्यूचर कल फिर किसी क्लास में आगे किसी नए बिंदु के साथ मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे, जल्दी मुलाकात होगी, मैथ की क्लास हो सकता है आगे मिले आपको। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।